आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की पानी के लिए किए गए अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एनएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अस्पताल में आतिशी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। तो क्या कुछ हुआ मुलाकात के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। अनशन के दौरान दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आतिशी आईसीयू में भर्ती हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर आतिशी से मुलाकात की, साथ ही उनका हाल जाना। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा, मैं आज उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने आया था। आतिशी हमेशा दिल्ली की जनता के लिए लड़ती रही हैं। मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, इसलिए तकलीफ जानता हूं। केंद्र की सरकार जब से बनी है तब से मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी दिक्कत हो रही है। अरविंद केजरीवाल जनता के लिए काम करना जानते हैं। बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलने नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार उनको तकलीफ और परेशानियां पहुंचा रही है, इसलिए फिर उन पर ना जाने कौन सा मुकदमा लगाकर उनको फंसा दिया गया। सीबीआई के लोग लगातार लोगों को फंसाते हैं, खासकर उनको फंसाते हैं जिनसे बीजेपी को खतरा है। भाजपा सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस बार भाजपा बच गई, नहीं तो सफाया हो गया होता। बता दें कि आतिशी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोक दिया है। उनकी मांग है कि हरियाणा दिल्ली की जनता को उनके हक का पूरा पानी दे। दिल्ली में जल संकट को लेकर आतिशी करीब 4 दिनों से अनशन कर रही थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि पानी की किल्लत के बीच आतिशी का अनशन मंगलवार को उनकी सेहत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने की वजह से समाप्त हो गया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।